नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। बता दें आपको कि शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार जैसे सिर्फ शिक्षा पे 40,000 करोड़ रुपए खर्च करती है और बिहार के सरकारी स्कूल से 40 बच्चे भी पढ़कर अच्छे से नहीं निकलते हैं। यानी कि 40 बच्चे भी पढ़कर किसी अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज या फिर अच्छे जॉब नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यह बात जो है प्रशांत किशोर ने अपने बातचीत में कही है। बता दें आपको कि बिहार के सभी पंचायत की अगर बात करें तो एक पंचायत में कई सारे सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अभी भी वहाँ दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही अधिकारियों पर भी प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आप शिक्षकों को स्कूल में बैठा तो सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें पढ़ाने पर मजबूर कर सकते हैं? शिक्षक अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए स्कूल में बैठ तो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह बात जो है वो प्रशांत किशोर ने के पाठक को लेकर कही है। हालांकि के पाठक का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए और शिक्षकों पर खासकर जैसे उनका फरमान आता है, तो माना जा रहा है कि यह तंज प्रशांत किशोर का सीधे सीधे के पाठक को लेकर है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से आप स्कूल सभी पंचायत में इतने सारे विद्यालय बनाते हैं और वहाँ पे व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे स्कूल में कैसे आए। स्कूल में बच्चे आते हैं, मध्याह्न भोजन करते हैं और फिर घर चले जाते हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन जब सरकार जो है, अधिकारी जो है, यह प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चों को स्कूल में कैसे बुलाया जाए, तो ऑटोमेटिक स्कूल की व्यवस्था जो है वो सही हो जाएगी। 25-50 स्कूल खोलने से अच्छा है 4-5 ही स्कूल खोले और बड़ा स्कूल खोले, वहाँ अच्छी व्यवस्था दे, तो बच्चे ऐसे ही पढ़ सकेंगे। पहले जब इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी और कम स्कूल कॉलेज हुआ करते थे, तब भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते थे, अच्छी नौकरी पाते थे, जिसमें उन्होंने पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज के अलावा कई कॉलेजों का भी नाम रखा कि इस कॉलेज से, इस स्कूल से पढ़ के बच्चे काफ़ी अच्छा करते थे। अभी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार गांव-गांव तक स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति एक तरह से देखिए तो सेम है। कई सारे अस्पताल खोल दिए जाते हैं जहाँ नहीं तो दवाई समय पे मिलती है और ना ही वहाँ पे आप सुविधा दे पाते हैं। तो आप जो है वो विश्व स्तरीय अस्पताल एक या दो ही खोले जहाँ अच्छी व्यवस्था दें, अच्छे से सारी चीज़ की सुविधाएं दें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसी सब चीज़ से सुधरने वाला है। आपके 50 स्कूल खोल देने से और स्कूल में शिक्षकों को बैठाने से नहीं खुलने वाला है। बता दें आपको कि यह तंज जो है वो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज अपने बातचीत में कहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर का यह तंज आपको कैसा लगा ये भी बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।